सादाबाद में नकली देसी घी की फैक्ट्री पर छापा। अमूल, आनंदा, मधुसूदन तथा पारस जैसे ब्रांडों का मिला तैयार नकली देसी घी। आपको बता दें, सादाबाद के तहसील मार्ग पर एक बंद मकान में नकली देसी घी बनाने का कारखाना चल रहा था, जिसकी जानकारी जनपद FSAI टीम को होने पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में उक्त व्यक्तियों पर छापामार कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण ब्रांडों का नकली देसी घी तैयार डिब्बों में पैक मिला। इसके अतिरिक्त अमूल, मधुसूदन, पारस, आनंदा सहित कई नामचीन कंपनियों के नकली रैपर पॉलिथीन भी टीम को मिले। टीम को नकली घी बनाने का थोड़ा बहुत सामान भी मिला। टीम द्वारा भी सामान को जब्त करते हुए पैक हुए डब्बों से नमूने लिए गए। फैक्ट्री संचालक को बुलाने की काबिल कोशिश की गई, लेकिन मौके पर व्यक्ति संचालक नहीं पहुंचा। संचालक का पिता मौके पर पहुंचकर लेकिन छाती में दर्द का बहाना बनाकर वहां से निकल जाने में सफल हो गया। पुलिस टीम के साथ की गई छापेमारी के दौरान लोगों को मालूम पड़ने पर काफी मात्रा में लोगों की भीड़ जुट गई। गोदाम पर छापा मारा है, क्या मिला है, क्या है सर? गोदाम पे एक छापा मारा आपने, क्या मिला है, क्या है, किस चीज का गोदाम है? इस स्थान पे नकली घी बनाने की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, तो मैंने यहाँ पे छापा मारा है। तो यहाँ पे नकली घी बनाने का जो मिला है अमूल ब्रांड, पारस ब्रांड का मिला है। क्या कुछ नकली कंपनियों के रैपर वगैरह भी मिले? नकली घी कंपनी सर, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर मिले कुछ? बनाए हुए नकली घी को ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में ही पैक किया जा रहा है, तो यहाँ रैपर भी मिला है और पेपर में बकायदे बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी मेंशन की। बैच नंबर नहीं, क्या कोई लेबर या वो मालिक का कुछ पता चला सर? किसका, किसकी फैक्ट्री है, किसका माल? इसके बनाने वाले व्यवसायी जो हैं, जो इस चीज का सौरभ अग्रवाल है, पुत्र श्री प्रेम अग्रवाल, निवासी सादाबाद। सर कितना माल बरामद हुआ है? कितना माल बरामद हुआ है? माल जो बरामद हुआ है वो आधा किलो के दो पेटी हुए हैं, 6 टिन रिफाइंड हुआ है, 1 15 किलो टिन पारस का हुआ है और 1 1 किलो के मधुसूदन और अमूल के 20 अमूल के मिले हैं और मधुसूदन के 15 किलो के लगभग मिले हैं। लगभग कितने समय से ये काम चल रहा है, ये कुछ जानकारी है इसकी? कितने समय से काम चले इसकी जानकारी मुझको नहीं। देखने सर ये पता चलता है काफी समय मालूम चला था कि यहाँ पे नकली का कारोबार चल रहा है, तो मैंने इस तरीके से बनाने के सर देखने से ये पता चल रहा है काफी समय से लंबे समय से काम चला रहा है। हाँ, देखने से ये पता चल रहा है कि काफी दिनों से काम चल रहा है और यहाँ पे बड़े स्तर पे काम किया जाता है और ये काम इस तरह से किया जाता है कि जो अधिकारियों के वर्किंग टाइम होता है उस टाइम को बचते हुए हाफ टाइम में इसको बना करके प्राइवेट गाड़ियों या डिमांड के हिसाब से इसको सप्लाई। नहीं सर, इतने लंबे समय से काम चल रहा है यहाँ पे और आपकी टीम लगातार सैंपल लेती रही है, तो उसमें अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है? काफी लंबे समय से काम चल रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं मिली थी। हमको इसी दिवाली त्योहार के पहले जो हमको जानकारी मिली थी। क्या मौके से सर कोई व्यक्ति पकड़ा गया? मौके से कोई व्यक्ति नहीं गया। सौरभ के माता पिता आए थे, पिताजी बुजुर्ग आदमी है, वो कह रहे थे बेचैनी सी हो रही है, तो वो चले गए। एज कह करके मैं भी लड़के को भेज रहा हूँ, लेकिन अभी वो लड़के को भेज नहीं पाए हैं। मैंने जो पुलिस के स्टाफ आए तो उनको मैंने उनको बुलाने। सर क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? इसमें हमारे जितने भी संदेहास्पद एक घी है, जैसे मधुसूदन का है, अमूल का है, पारस का है, इनका जो है घी के तौर पर नमूने भरे जाएंगे। बाकी रिफाइंड है वो उसको जो है एडल्ट्रेंट के रूप में नमूना उसका भरा जाएगा। यहाँ पे इसेंस भी मिला है, एक होटल में आपको देखिए इसेंस रखा हुआ है, वो इसेंस भी मिला हुआ है जिसको बना के घी में उसको डाला जाता है, तो उसका भी लेंगे। ये जितना माल होगा इस माल को हम सीज कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।